हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत बोल। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी हाँ माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि कुम हरे कृष्णा सनत प्रभु, हरि 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 हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप ज्वाइन हो गए आज, बहुत अच्छा लगा। अध्याय आ रहा, आज अध्याय बोल रहा हूँ। आज इतना अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मायापुर में जो नरसिंह भगवान की स्थापना हुई, वो उसकी लीला क्या है, नरसिंह भगवान की लीला क्या है, कैसा कैसा वहां पे कुछ कहानी है क्या? हाँ, एक सच्ची घटना के बारे में। अब जैसे कि नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, ये फोर्थ 4 तारीख को ऐसा है, तो हम लोग नरसिंह भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इतना ब्यूटीफुल कहानी है माता जी प्रभु जी, कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये कलयुग में ऐसा भी है क्या? हाँ है, ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो लोग आने वाले हैं, जो लोग लेट आ रहे हैं, आने दो, हम लोग तो हमारा स्टार्ट करेंगे, नरसिंह भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। अभिषेक ओझा प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट। जो लोग हरे कृष्णा चैट में बोल रहे हैं हरे कृष्णा, हमारे पास में थोड़ा सा, एग्जैक्ट 8 o'clock को मैं क्लास खत्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना कि प्रभु जी लेट होगा क्या, नहीं। बस लेकिन आज अच्छा सा श्रवण कीजिए, क्योंकि नरसिंह भगवान की सच्ची कथा कहानी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरी बोल। मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ, इतनी ब्यूटीफुल कहानी माता जी प्रभु जी। चलो, तो हम सबको मालूम है, हम लोग सुबह में हर दिन क्या कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं नरसिंह भगवान की। हर एक इस्कॉन मंदिर में क्या होती है, आरती गाते हैं। अगर हो सके तो अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, अगर हो सके तो अपना जो नाम है, ये 108 है, फोन का नाम जो लगाए हैं, थोड़ा सा वो नाम बदल दो। नाम बदल के जो भी अपना अच्छा सा नाम है वो नाम लगा लो। तो नरसिंह भगवान जो मायापुर में है, वहां पे एक्चुअली वहां की कहानी क्या है, हाँ, उनकी स्थापना कैसी हुई, वो सब हम लोग देखेंगे। इतना इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये मूर्ति का एक्चुअली वहां पे आना क्यों पड़ा नरसिंह भगवान को। हाँ, इस्कॉन में भी हम लोग देखते हैं नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं, हर एक इस्कॉन मंदिर में नरसिंह भगवान की अच्छी सी एक प्रतिमा रहती है। आखिर क्यों भाई नरसिंह भगवान को क्यों लाना पड़ा? हाँ, सब सब राज खुलने वाले हैं, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है माता जी और प्रभु जी। हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जाएंगे नरसिंह भगवान। कई लोग ऐसे भी रहते हैं, एक बार यूथ बैच ले रहा था, प्रभु जी लक्ष्मण जी तो नाम महाभारत के है, तो आप राम के भाई क्यों बोल रहे हैं? ऐसा भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, नरसिंह भगवान जी के बारे में नहीं मालूम, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। तो नरसिंह भगवान
जब हिरण्यकशिपु इतना इतना उसको अच्छा सा तपस्या, घोर तपस्या करा, हम लोग बोलते ना एक पैर पे ठहर के, एक पैर के अंगूठे पे ठहर के कड़ी तपस्या करने के बाद में कुछ उसको वर प्राप्त हुए। अब वर जैसे ही शक्ति प्राप्त हो गई, हाँ, वो अपने आप को क्या समझने लगा, अब तो मेरे को कोई मारेगा नहीं, मैं भगवान हूं। जैसे ही पैसा आ जाता है, शक्ति आ जाती है, सब लोग अपने आप को, इवन टेररिस्ट भी यही करते हैं कि भैया हम ग्रेट है, किसी को भी हम मार सकते हैं। तो वैसे ही हिरण्यकश्यपु क्या करने लगा, सबको दंड देने लगा, मारने लगा, अपने मंदिर का निर्माण करने लगा, साधुओं को यस यज्ञ नहीं करना, ये सब चल रहा था। अब उसी के घर में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, जो प्रहलाद महाराज जिनके गुरु स्वयं स्वयं नारद मुनि है। वो प्रहलाद महाराज जब उन अपने माँ के गर्भ में थे, जब से ही जो है सो नारद मुनि जी के जी उनको ग्लोरीफाई करते गए, ग्लोरीफाई करते गए, देखो कृष्ण क्या है, भगवान क्या है, आपको करना क्या है, सब बताए बताए बताए। अल्टीमेटली वो इतनी अच्छी भक्ति, यानी जन्म लेते ही भक्ति आ गई, ठीक है ना। लेकिन जन्म के साथ साथ उनको प्रॉब्लम्स भी होता है। हम लोग समझते हैं कि हमको बहुत सारे प्रॉब्लम है, यहाँ तो उनका ही पिता, उनका ही जो पिता है ना हिरण्यकश्यपु, क्या कर रहा था, उनको उनको मारने की कोशिश कर रहा था। वो मात्र 5 साल, जब बोलना सीखते हैं 5 साल की आयु में वो सिर्फ नाम ले रहे। उनकी गलती क्या है, उनको जब पूछा गया कि भैया मेरे को भगवान बोलो, नहीं, भगवान तो तुमको भी कोई ना कोई तो बनाया है, वो है असल भगवान, तुम कहाँ से भगवान हुए। देन उनको गुस्सा आने लगा, उनको सांपों के रूम में डाल दिया गया, और अलग अलग एक पागल हाथी के सामने उनको रख दिया गया, यानी अलग अलग तरीके से उनको मारने की कोशिश किया गया, कौन, स्वयं उनके पिता ने। अल्टीमेटली भगवान, भगवान जब राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, जब भगवान किसी को अगर बचाना चाह रहे हैं तो कोई कोई भी उसको मार नहीं सकता। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब भगवान भी देखते जा रहे थे, और यहाँ तक उनको कहाँ पे ऊपर पहाड़ से फेंका गया, लेकिन विष विष भी दिया गया और अग्नि में भी उनको डाला गया, लेकिन उनको विश्वास था, उनको विश्वास था। वो क्या विश्वास था, भाई मेरा तो जब तक भगवान मेरे साथ में है, मेरा तो कोई भी बाल बाका नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर, मेरा भगवान है। ये विश्वास हमारे पास खो रहा है। जो विश्वास प्रहलाद महाराज को जब पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, वो अपन अगर गिरे तो हम क्या बोलते हैं, अम्मा मैं गिर गया, यही आवाज आती है। नहीं तो कुछ तो भी एक ऐसा आवाज आती है जिससे हमको ऐसा फीलिंग होता है कि हम भगवान का तो आवाज, भगवान का नाम ही नहीं आता है, कुछ और नाम आता है, अम्मा या जो भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भगवान का ही नाम ले रहे हैं। बस ऊपर हवा में नीचे नीचे आ रहे हैं, भगवान भी देखते जा रहे हैं कि भैया ये अब तो भी नाम भूल के, अब तो मैं मर गया वो बोलेगा, लेकिन वो बिल्कुल धरती को लगने वाले हैं, पहाड़ पे से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमेशा कनेक्शन बना हुआ है किससे, भगवान जी से। भगवान जी का नाम कंटिन्यू बोलते 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 अल्टीमेटली जब नीचे गिर रहे थे, भगवान देख लिए ये तो मेरे को भूल रहा नहीं। देन 2 इंच जब जमीन के नीचे गिर रहे थे, भगवान अपना हाथ से उठा लिए उनको। तो भगवान हमको भी परेशानी देती है, देते हैं, क्यों, हम हमारी महानता, यस, हमको महान बनाने के लिए। सोने को भी मारा जाता है, क्यों, हमको समझना चाहिए सोने की महानता वही है। तो ऐसे ही जलाया भी गया। एंड जब भगवान देखे देखे अब तो आना ही है, अब इसका काम करना ही है हिरण्यकश्यपु का, वो स्वयं हम बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो वो साबित कर दिए भगवान, भगवान जी स्वयं साबित कर दिए। 4 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है माता जी, प्रभु जी, ये जो लीला हम लोग मायापुर नरसिंह भगवान की सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ठीक है ना। आफ्टर क्लास कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। और तो जैसे ही जब इतना मारा गया, इतना मारा गया प्रहलाद महाराज को, जब उनके पिताजी बोल रहे थे, बोलो तुम्हारे भगवान यहाँ है क्या, तुम्हारा विष्णु यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, वो बोलते गए, हाँ हर जगह पे मेरे भगवान है। तो ठीक है, एक खंबे को मारे, वहां नहीं निकले, देखो नहीं है ना, हाँ यहाँ है क्या, यहाँ है। अल्टीमेटली भगवान क्या करे,
अब तो ये मेरे बेटे को बहुत मार रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, अब मेरे को आना ही है, आना ही है। वो स्वयं जब आ गए माता जी प्रभु जी, खंबे से प्रकट हुए, खंबे से। हाँ, भगवान को हमारे जैसा किसी की आवश्यकता नहीं रहती कि भैया हमको तो भी अगर किसी को जन्म देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्त्री का, पुरुष का, व्हाट हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान, देखो भगवान को किसी का भी आवश्यकता, ब्रह्मा जी को जन्म दिए, क्या कोई स्त्री का हेल्प लिए? नहीं लिए। तो ये हमको समझना चाहिए भगवान क्या है। तो जब पहाड़ पत्थर में से आ गए भगवान, जब आ गए, अब आ गए खंभे में से प्रकट हो गए भगवान। अब जो हिरण्यकश्यपु जस्ट भवे ऐसा उठाता था, उठाए तो देवताएं कांपते थे, वो हिरण्यकश्यपु से फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो देख लिए अभी दोपहर का समय है ना, थोड़ा इससे फुटबॉल खेल लेंगे, कभी इधर पटक रहे, कभी उधर पटक रहे, उसको इधर उधर पटकते पलटकते अल्टीमेटली जब देख लिए कि भाई शाम का समय आ गया है ना, जैसा कि मैं बोलता हूँ शाम के साथ ना, श्याम के साथ, तो वैसा। अब वो क्या करने लगे, सीधा उसका वर था कि मैं घर में नहीं मरूंगा, बाहर, बट बाहर नहीं, घर के बाहर नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा, नीचे धरती पे नहीं मरूंगा, और ब्रह्मा जी ना तो मैं देवताओं से मरूंगा, ना तो पशु से मरूंगा, ना तो अस्त्र से मरूंगा, ना तो शस्त्र से मरूंगा, हर चीज वो ब्रह्मा जी जिसको जन्म दी, ब्रह्मा जी के सृष्टि में, ब्रह्मा जी के जिसके कारण है, वो सबसे मैं नहीं मरूंगा। अल्टीमेटली अब भगवान देख लिए इतने सारे ये वर ले लिया, तो स्वयं क्या करे, ना तो मानव से भी मरेगा, ना तो देवताओं से भी, ठीक है, ना तो पशु से। तो देन फाइनली स्वयं नरसिंह भगवान, यानी आधा नर और सिंह है, देन फाइनली वो आए, ये सब आपको मालूम है। अब रियल इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रहलाद महाराज के बारे में, और जब हम जानते हैं, जब न भागवतम में बताया गया, जब उनके पिता मर गए, जब भी अगर कोई हमारा पिता का हत्यारा, पिता को अगर कोई हमको गाली दी, हमारे सामने अगर पिता को गाली दिया, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, कैसा बोला चलो देख लेंगे, दिस इज व्हाट अवर एटीट्यूड। लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने उनके पिता को मारा गया, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं, वो तो भक्त थे, उनको मालूम था अगर ये ही मारने वाले हैं, यही तारने वाले हैं, इनसे क्या डरना, ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, हाँ पार्वती वहां पे, लक्ष्मी मैया, सब देवी देवताएं प्रकट हो गए। लेकिन नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। अल्टीमेटली क्या करने लगे सब, ब्रह्मा जी बोले शिव जी जरा थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, शांत हो, नहीं जाने दो, आप ही तो भारी ही है ना लक्ष्मी मैया, आप जाके आपके पति को कन्विंस करो। वो भी डर गई, मेरे सामने हमेशा शांत मुस्कुराते हुए रहते हैं, आज क्या हो गया मेरे पति को, इतना गुस्से में है। देन फाइनली जब वो बोले अब बेटा प्रहलाद महाराज, अब प्रहलाद अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे ही भगवान तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम ही इनका गुस्सा शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद महाराज एक छोटा सा फूल का हार लेके उनके पास में सीढ़ी चढ़ते 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 चले गए। जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखे, भगवान के पास में मातृत्व की भावना जाग गई। जब वो उनको सहला रहे थे तो वो बोलने लगे, आकाश एक दिन मैं भी ना, मैं भी ये फीलिंग, ये जो फील हो रहा है मातृत्व का, मेरे को भी ये चाहिए। इसलिए वो जैसे ही जब वो उनके मन में ये इच्छा जाग गई, जो कृष्ण भगवान बन के इतने लीलाएं करें, इतने लीलाएं करें, जब हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं कितने लीलाएं, देखो भागवतम में, रामायण में मात्र बहुत छोटा सा टॉपिक है बाल लीला राम जी का, लेकिन कृष्ण बन के इतने सारे लीलाएं हैं, आनंद लिए। तो ये अब आगे बढ़ेंगे, यही जब भागवत में हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे क्या पढ़ते हैं, सबसे कम आयु में जैसे प्रहलाद महाराज का राजा बनाया गया, ये तो सब मालूम है प्रभु जी, मायापुर की कहानी बोलो, बोल रहा हूँ माता जी प्रभु जी। तो ये है फाइनली कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मायापुर की जो विग्रह को जब स्थापना करे, हम लोग जनरली मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र क्या पढ़ते हैं, किसी को कोई बीमारी आ गई तो हम लोग जनरली बोलते हैं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम स्वरतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। लेकिन इसका पूरा मंत्र अब मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ना, अभी कंटिन्यूटी में। तो आप में से कोई और ज्वाइन करने वाले भी हैं, तब तक कोई आप में से
एनी जो लोग सीनियर है लेवल 4 में अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग अगर नरसिंह आरती गा सकते हैं तो थोड़ा सा गाली गाने में कोई रेडी है? नहीं प्रभु जी, हम लोग नहीं गाएंगे, जल्दी कर दो आप, बल्कि बोल रहे हैं क्या? यस नीरू माता जी, नीरू माता जी, यस पूनम माता जी, हरी हरी। दीपक वर्मा प्रभु, कभी नहीं देखा मैं आपको, कोई बात नहीं, आप लेवल 4 से जुड़े हुए हैं प्रभु। नीरू में पूनम माता जी, सुशील प्रभु, महानीरू माता जी, सब हमारे बैच के हैं। लेकिन री बोल नेत्रावती मैया, हरे कृष्णा दंडवत माता जी, दंडवत दंडवत नाउ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा मैया, नरसिंह जी की आरती गाइए मैया। यस प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शिलटङ्कानकाराय इतो नृसिंहा परतो नृसिंहो यतो यतो वामि ततो नृसिंहो तव कर कमल अद्भुत ललिता हिरण्यकशिपु वेरी एक्सलेंट माता जी। तो जैसे कि अब हम लोग नरसिंह भगवान को बुला लिए, आरती भी कर लिए, अब इसका अर्थ तो आपके पास में भी है, आपको भी मालूम है। तो वहां पे हम लोग नरसिंह भगवान को डेली हर एक इस्कॉन मंदिर में गाते हैं। इवन जब श्रील प्रभुपाद थे तो जब क्या हुआ था, कोई लोग क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि देखो हमारे क्रिश्चियनों को जो है सो यहाँ पे बदला जा रहा है, ये कर रहे वो कर रहे, कोई पत्थर फेंक रहे, कोई बॉम्ब फेंक रहे, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे। तो सीधा श्रील प्रभुपाद क्या करे, अब नरसिंह भगवान को बुलाना जरूरी है। तो वैसा वहां से ये प्रथा स्टार्ट हो गई कि भैया नरसिंह भगवान की आरती गानी है। तो अब मायापुर में भी यही सिचुएशन था, जब मायापुर में जब नरसिंह भगवान को स्थापना करने का जब विचार आया, वो विचार क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण था। और ठीक है, यहाँ एक स्लाइड है, चलो ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड है। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को पूछे, तुमने गुरु से क्या सीखा भैया, मैं तुमको गुरुकुल में भेजा हूं तो तुमने क्या सीखा। वो बोलने लगे, हिरण्यकश्यपु बोले, क्या बोले, देखो मैं तो कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ क्या सीखा, श्री प्रहलाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, मैं यही सीखा, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चे नव लक्षणा। भैया ये नवदा भक्ति ही कर लो, किसकी, भगवान की, भगवान को प्रसन्न करो, और तन्मन्याधितम उत्तमम, इससे उत्तम और कुछ चीज नहीं है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, माता जी प्रभु जी सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सिर्फ हमको यहां से अगर निकलना है, यही जन्म में निकलना है, यही जन्म में निकलना है, ये नहीं है कि चांस लेंगे नेक्स्ट जन्म में देखेंगे, तो यही जन्म में निकलना है। तो प्रहलाद महाराज हमको क्या बता दिए, वो हमारे गुरु है, क्योंकि नारद मुनि हम किसके, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी का ये संप्रदाय नारद मुनि के ही तो शिष्य है प्रहलाद महाराज, तो हमारे लिए भी वो गुरु है। तो वो हमारे गुरु बन के वो बोल रहे हैं, भैया नौदा भक्ति में कोई एक अंग ले लो, तो अगर आपको कीर्तन अच्छा दिख रहा है, कीर्तन करो, भगवान से जुड़ जाओ,
जी ये तो मैं हम लोग नौदा भक्ति पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग सीधा सीधा जाएंगे मायापुर में कैसा स्थापना हुई नरसिंह भगवान की। तो रियल जब नरसिंह भगवान को, नरसिंह भगवान की जो प्रार्थना होती है क्या करते हैं सब लोग, मैं अनम्यूट का विकल्प देता हूँ, मैं जैसा पढ़ता हूँ उतना ही पढ़िए, ठीक है ना। सब लोग ने तो कंफ्यूजन होता है, नहीं तो ठीक है हमारे को होस्ट अनम्यूट कीजिए, नेत्रावती माता जी ने तो, पूनम माता जी, श्रेया माता जी अनम्यूट कीजिए, मैं जैसा पढ़ता हूँ आप कंटिन्यू कीजिए, आप म्यूट में रह के जो लोग म्यूट है वो लोग वैसे ही पढ़ना। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा, जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादेशा जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा प्रह्लादेशा जया पद्मा मुखं पद्म भृंगा। ही बोल, ये जब कभी भी हमारे नरसिंह भगवान ऐसा बोलते हैं कि वो एक डॉक्टर है, डॉक्टरों के भी डॉक्टर है, क्योंकि ऐसा कोई बीमारी नहीं है, अगर वो चाहें तो ठीक हो जाता है। तो अगर ये मंत्र अगर कभी अगर बीमार अवस्था में है कोई भी, अगर बीमारी से ग्रस्त है तो थोड़ा सा ये मंत्र हम लोगों को कंठस्थ अगर आ गया तो बहुत अच्छा है। हम लोग भी गाते हैं इस्कॉन में। चलो अब आप पढ़ने के लिए हमारे कोहोश रेडी हो जाओ, मैं बीच में सबको धीरे धीरे से कोहोश बनाऊंगा। पढ़िए माता जी, पहला कौन पढ़ रहे हैं, श्रेया माता जी पढ़िए, बाद में पूनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 24 मार्च 1984 की रात्रि को 12:20 पर अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद के बाद 35 डाकुओं के एक दल ने श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर पर आक्रमण कर दिया। उन लोगों ने भक्तों को तंग कर दिया एवं गाली गलौज भी किया। सबसे अधिक दुखद घटना यह घटी जब वे श्री प्रभुपाद एवं श्रीमती राधा रानी के विग्रह को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगे। निर्भय होकर भक्तों ने आक्रमणकारियों को ललकारा। श्री प्रभुपाद एवं श्रीमती राधा रानी ने ले जाना वे भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन पर गोलियां चलाई गई, कुछ डकैत मारे भी गए एवं उनका प्रयास विफल कर दिया गया। बोल, तो ये मायापुर में नरसिंह भगवान को क्यों स्थापना किया गया उसका कहानी बोल रहे हैं। तो वो कहानी क्या है, तो एक्चुअली जब मायापुर में ऐसा होता था, वीरान जंगल था, और वहां पे भी जब क्या होता था, डाकू लोग आके कब 1980s का टाइम था, वो 84 का टाइम था। देन वो जब वो टाइम पे आके डाकू लोग सडनली मंदिर में अटैक करके अब उन लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ धन चाहिए, अरे भाई मूर्ति, चलो मूर्ति को लेके जाओ, पैसा, बहुत अस्त्र शस्त्र के साथ में सडनली अटैक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो भक्ति में है, जितना हो सका उतना उन लोगों के साथ लड़ने की कोशिश करें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऐसा बताया गया, ये सच्ची घटना है माता जी प्रभु जी, क्या बताया गया कि श्रीमती राधा रानी के विग्रह को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगे। बहरहाल पूरी तरह से ये लड़ रहे हैं, नहीं अल्टीमेटली, अब नेक्स्ट पे ध्यान पूर्वक सुनो माता जी प्रभु जी, मैं सब स्क्रीन, अच्छा सा, पूनम माता जी पढ़िए। श्री प्रभु पाजी पर गोलियां चलाई गई, कुछ डकैत मारे गए फिर एवं उनका प्रयास विफल कर दिया गया। श्री प्रभु पाजी का उद्धार कर दिया गया, पर श्रीमती राधा रानी का वह सुंदर रूप प्रधान देवी की शोभा नहीं बढ़ा सकता था। इस घटना के कारण भक्तों के मन में उथल पुथल मच गई। व्यवस्था में संलग्न अधिकारी गण विशेष तौर पर इस मसले एवं समस्या का स्थायी समाधान चाहते थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मायापुर में भक्तों को हिंसा एवं हैरानी का सामना करना पड़ा हो। इस्कॉन मायापुर में के सह निर्देशक भवनानंद दास ने सुझाव दिया कि मंदिर में श्री नरसिंह देव की प्रतिष्ठा की जाए। जब डकैतों ने योग शक्ति में भक्तों को धमकी दिया था तो शील भक्ति विनोद ठाकुर एवं उनके सुपुत्र शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने
श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की प्रतिष्ठा कर दी थी उसके बाद वहां पर। यस, तो ये एक्चुअली देखा गया तो वहां पे ये होते जा रहा है बार बार, क्या हो रहा है, कोई डाकू आ रहे हैं, कभी मार रहे हैं, हाँ तो ऐसा बहुत बार, अनेक बार हो रहा है, वो लड़ रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई मार खा रहा है, कोई घायल हो रहा है प्रॉपर्टी बचाने के लिए, तो ये सब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लेकिन इसके पहले भी क्या हुआ, डकैत जब भी डकैती होती थी तो वहां पे क्या करे एक बार कि भैया अभी अब ये डकैती से बचना है तो क्या करना है, नरसिंह भगवान को प्रतिष्ठा करना है। देन अब क्या हुआ प्रेमलता माता जी, आप नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शीघ्र ही श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की प्रतिष्ठा कर दी थी। उसके बाद वहां पर कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ। मायापुर के कुछ अन्य भक्त उनका इस प्रकार अनुसरण करने के आग्रही नहीं थे। पुजारी को नैश्चिक ब्रह्मचारी, जन्म से ब्रह्मचारी होना होगा एवं भगवान नरसिंह देव की पूजा कठोर निष्ठा के साथ करनी होगी। उनकी पूजा करने कौन तैयार होगा? इन सब बाधाओं के बावजूद भगवान नरसिंह देव को मायापुर में लाने के लिए भवनानंद दास उत्साहित थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत दास एवं मुझे कुछ रेखा चित्र बनाने के लिए कहा। एक दिन स्वतः स्फूर्त रूप में से उन्होंने कहा कि विग्रह के पैर कूदने के लिए तैयार की मुद्रा में मुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि वे उग्र रूप से चारों तरफ देख रहे हैं। उनकी उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए। उनके सिर से लपट निकलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। इस मुद्रा में मैंने विग्रह का रेखा चित्र बनाया। वह रेखा चित्र भक्तों को पसंद आया एवं पंकज आंद्री दास ने उनकी पूजा अर्चना करने की। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल हरी बोल। तो जैसे ही अब मालूम हो गया कि भैया अब नरसिंह भगवान को ला देंगे, जब नरसिंह भगवान को हम भी यहाँ पे मायापुर में ला लिए, अब नरसिंह भगवान सब चीज देख लेते, हाँ अब हम क्या करेंगे प्रतिष्ठा करना। लेकिन प्रतिष्ठा करना तो कैसी मूर्ति रहना, एकदम गुस्से वाली, रेडी ठहरना, यस नाकुना भी कैसा और चेहरा भी देखे तो डरना, उतना उग्र नरसिम्हा बोलते हैं ना, वो उग्र नरसिम्हा को ही हम लाना है, उनकी ही पूजा करना। अब पूजा करना तो वो ब्राह्मण जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना, बच ब्रह्मचारी वो भी नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना कि अब उसके मन में अब कौन करेंगे, चलो ठीक है कोई भी आएगा ब्रह्मचारी वो भगवान देख लेंगे, लेकिन मूर्ति तो अब लाना जरूरी हो गया ये डाकुओं से बचना है। तो अब कहानी देखो माता जी प्रभु जी वहां पे जो पंकज आंगरी दास प्रभु जी के और वो भी अब क्या कर रहे हैं, यस ठीक है हम लोग एक रेखा चित्र एक फोटो फोटो पहले हम लोग करते हैं ना, कौन से कैसा रहना, अच्छा ऐसा रहना, तो वो कल्पना यस ये ऐसा ऐसा रहना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड कौन पढ़ेंगे, हमारे वो होस्ट में से कोई है क्या पढ़ने के लिए, कौन कौन है? प्रेमलता माता जी हो गए, पूनम माता जी, नेत्रावती माता जी आप पढ़ सकते, पढ़ रहे हैं? कोई हाथ नहीं उठा रहे आज, ठीक है। अभिषेक प्रभु हरी बोल, थैंक्स अ लॉट। सुकृति देवी कलकत्ता के धनी भक्त राधा राधा प्रदास ने मूर्ति निर्माण एवं प्रतिष्ठा के खर्च को वहन करना स्वीकार किया। ऐसा लग रहा था कि इस्कॉन मायापुर में भगवान नरसिंह देव की अविवाद की घटना साधारण एवं सहज होगी। राधा पददास ने सीधे 1,30,000 रुपए दे दिए। ऐसा सोचा गया कि 3 माह के अंदर विग्रह स्थापना हो जाएगी। सारी व्यवस्था करने में दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। कृष्ण की असीम कृपा से मैंने शीघ्र ही एक विख्यात स्पति प्रभु आपके पास में वॉइस हो रहा है प्रभु, डिस्टरबेंस आ रहा है, हमको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए प्रभु, प्लीज कुछ नहीं समझना। तो एक्चुअली देखा गया तो मैं भी पढ़ ले सकता हूँ, वैसा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने का चांस दे रहा हूँ प्लीज। तो वहां पे क्या हो गया, कोलकाता के एक धनी ना भक्त वो क्या करें कि नहीं नहीं ठीक है मैं इनका जो भी खर्चा होता है मैं दे दूंगा। तो सडनली अब जब भगवान को वहां आना है मायापुर में, भगवान स्वयं किसी ना किसी के माध्यम से क्या करते हैं, डोनेशन आ जाता है और सब चीज वो कर लेते हैं। अब फाइनली वो मूर्तिकार को ढूंढने के लिए माताजी प्रभु जी अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्या हो गया कि कृष्ण की असीम कृपा से मैंने शीघ्र ही एक विख्यात स्थापित मूर्तिकार को खोज निकाला। तो वहां के पुजारी निकल गए, मूर्ति कहाँ पे मिलती है चलो ढूंढने। तो वो जाके वो शिल्पीकार होना है ना, वो शिल्पीकार को ढूंढ लिए। एक स्थापित
केवल मूर्ति स्थापित केवल मूर्ति का निर्माण ही नहीं करता, बल्कि मंदिर वास्तुकला एवं निर्माण में क्या है भी पट्टु होता है। पहले तो यहाँ पे ऐसा बताया गया, मेरे से भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा हो रहा है आज। पहले पहले कहाँ है डिस्क, ऐसा होता है एकदम। हाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो जो निर्माण मंदिर जो मूर्ति जो निर्माण करता है उसको पूरी तरह से मालूम है, वास्तुकला भी जानता है, एंड एंड वो इतना अच्छा सा रहना चाहिए, उसको पूरा नॉलेज होना ना, जिसको बनो उसको मूर्ति नहीं देते हैं, और उसमें वो भी नरसिंह भगवान की। देन वो क्या करे, मैंने अन्य कोई विग्रह मूर्तिकारों से मुलाकात की, सभी ने एक ही उत्तर दिया, नहीं अरे भैया उग्र नरसिम्हा को हम नहीं बना सकते, इतना गुस्से वाले आप जो बोल रहे हैं रेडी टू फाइट, नहीं हमसे नहीं होता। सब लोग नहीं 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 बोल रहे हैं मूर्तिकार, मैं मायापुर से दक्षिण भारत कई बार गया, 6 महीने बीत गए थे, पर भगवान नरसिंह देव की विग्रह रूप में अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं राधापद दास की यह तीव्र इच्छा थी कि मायापुर में भगवान नरसिंह देव की स्थापना हो जाए। उन्होंने मुझे प्रथम स्थापित से मिलकर उससे पुनः आवेदन करने के लिए कहा, इस बार कुछ नम्र रूख उप क्या है अपनाते हुए स्थापित ने शिल्प शास्त्र मूर्ति निर्माण एवं मंदिर वास्तुकला पर एक वैदिक शास्त्र ग्रंथ के एक अध्याय को को पढ़कर सुनाया। अब वो बोलने लगा, देखो आप जो चित्र बता रहे ना ये जो मूर्ति के बनाओ बोल के, लेकिन शास्त्रों में नरसिंह भगवान के ऐसे ऐसे रूप है, आप तो सिंपल बोल रहे, लेकिन आप जो बोल रहे रूप उसका ऐसा वर्णन है। वो क्या बोल रहे हैं, वह ऊंची आवाज में कुछ श्लोकाओं को पढ़ा, और कौन वो मूर्तिकार जिसमें भगवान नरसिंह देव के संबंध में विवरण दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे, थोड़ा अच्छा सा डिस्टर्बेंस नहीं। देखो ऐसा रहती है मूर्ति, ऐसा इतनी उग्र टाइप में बनाना है तो लोगों को, वो लोग आगे नहीं आ रहे थे, अब फिर भी ये जो आए हैं, क्यों आए हैं, इसके पीछे भी राज है। अबा हरी बोल, थैंक्स अलॉट, इतने लोग हाथ उठाए हैं, ठीक है। सुमन अग्रवाल माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा संबंध में विवरण दिया गया था, अग्नि शिखा रूपी वेश संधान करती निगाहें एवं खंभे से निकलकर कूदने के लिए घुटने मोड़कर एक पैर को सामने की ओर निकाले हुए उनकी मुद्रा के बारे में इन श्लोकों में वर्णन किया गया था। जब वे पढ़ रहे थे उस समय मैं अचंभित रह गया, ठीक यही मुद्रा हम भी चाहते थे। मैंने उन्हें मेरे पास वाली रेखा चित्र दिखाई, वे भी प्रभावित हो गए एवं शास्त्र के वर्णन के अनुसार एक रूपरेखा बनाने के लिए राजी हुए जिनके आधार पर मूर्ति की खुदाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह काम वे स्वयं नहीं करेंगे, इस काम में उन्हें 1 सप्ताह लगा। वह रूपरेखा वाली छवि काफी प्रभावशाली थी। मैं मायापुर में लौट आया एवं मंदिर अधिकारियों को वह रूपरेखा वाली छवि दिखाई। सभी चाहते थे कि वही स्थापित मूर्ति का निर्माण करें। इस काम को स्वयं करने के लिए, उसे राजी करने के लिए मुझे एक बार फिर दक्षिण भारत भेजा गया। मैं सीधा स्थापित के घर गया। मैं काफी उद्विग्न था, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करने के सिवा मैं क्या कर भी कह सकता था ताकि वे कृपा पूर्वक श्री मायापुर धाम में हमारे मंदिर में शीघ्र प्रकट हों। स्थापित को मैंने 2 वाक्य ही बोले थे कि वे बीच में ही उस विग्रह को स्वयं बनाना स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के पीछे एक रोचक कहानी है। उस स्थपति ने अपने गुरु कांचीपुरम के शंकराचार्य को हमारे कार के बारे में बताया। उनके गुरु ने तुरंत ही कह दिया था, यह काम मत करो, तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। पर कुछ क्षण पश्चात ही उन्होंने पूछा, इस काम के लिए तुम्हें किसने कहा है? जब उन्हें यह पता चला कि नवदीप के हरे कृष्ण वाले चाहते हैं तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, वे उग्र नरसिंह देव चाहते हैं, क्या उन्हें उग्र नरसिंह देव के विग्रह निर्माण एवं स्थापना में निहित जटिलता के विषय में जानकारी है?
3000 वर्ष पहले ऐसे विग्रह सिर्फ बहुत ही उन्नत मूर्तकार ही खुदाई करते थे। मैसूर जाने के रास्ते में एक स्थान है जहाँ पर उग्र नरसिंह देव की स्थापना की गई है। अपने गोद में लेकर राक्षस हिरण्यकश्यपु के तन को विदीर्ण करने के कारण उनकी अंतड़ियां पूरे वेदी पर फैली हुई है। एक समय वहां पूजा अर्चना उच्च स्तर की थी। प्रतिदिन वहां हाथी की सवारी की आती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। थैंक्स माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अब उनको तीव्र इच्छा हो गई, अब जल्दी से भाई मूर्ति तो हमको बनाना है और उग्र नरसिम्हा की मूर्ति बनाना है, गुस्से वाले नरसिंह भगवान की बनाना है। सबको जाके पूछने लगे। अब वो एक जो जो शिल्पी जो बनाने वाला है वो पहले तो मना कर दिया, भैया मेरे से नहीं होता। फिर वो जाके अपने गुरु से, वो गुरु से जो जाके बोलने लगे कि भैया आप ऐसा ऐसा मेरे को आया है, हरे कृष्णा वाले बोल रहे हैं कि मूर्ति बनाओ, और वो भी गुस्से वाले मूर्ति को बनाओ बोल रहे हैं। तो उनके गुरु बोले, देखो गुस्से वाले मूर्ति के बारे में मालूम है ना, वो शंकराचार्य संप्रदाय से है, तो आप पहले तो मना कर दो, अगर कुछ गलती हो गई तो पूरा आपका वंश नाश हो जाएगा। वो पहले एक बार मैसूर में एक गांव था, वो गांव में ना ऐसी वाली मूर्ति को रखे, लेकिन पहले तो अच्छी पूजा करते थे, बाद में क्या हुआ, पूजा नहीं हुआ, इसलिए वो आज गांव खंडर हो गया। भगवान गुस्से वाले हैं, भगवान क्षमा नहीं करते, गलती करे तो पूजा में इतनी कठिन मूर्ति को वो लोग बनाओ बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से, हरे कृष्णा, आज अच्छा लग रहा है। देखो ऐसा सेवा के लिए सब लोग हाथ उठाना, मैं क्यों और कौन है। अच्छा अच्छा सीधा सीमा माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए माता जल्दी, सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़िए। निकलती थी एवं उससे होता था, पर धीरे धीरे पूजा अर्चना का स्तर गिरता गया। आज वह स्थान जीर्ण अवस्था में है, पूरा गांव निर्जन हो गया। वे लोग अपने यहां ऐसा ही चाहते थे। प्रभु जी कुछ स्थापति ने उत्तर दिया, वे लोग अपने जिद पर अड़े रहे। वे विग्रह के बारे में बात करने प्रभु जी आपकी फोटो आ रही है, मेरी फोटो बात करने बार बार मेरे पास आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें डकैतों की कोई समस्या है। विग्रह का रेखा चित्र अपने गुरु के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, वे ऐसा विग्रह चाहते हैं। गुरु जी ने चित्र देखकर कहा, यह तो उग्र श्रेणी का है। इस विशेष भाव के विग्रह को स्थानु विग्रह कहा जाता है। इस पृथ्वी का ऐसा कहीं भी नहीं है। स्वर्गीय देवता गण इस भाव की पूजा नहीं करते। हाँ, विग्रह उग्र श्रेणी का है। उग्र का अर्थ भयंकर, अति क्रूर। इस श्रेणी के 9 प्रकार के भाव हैं। वे सभी भयंकर हैं। वे लोग जो चाहते हैं वह स्थान नरसिंह है। खंबे से निकलते हुए, नहीं ऐसा विग्रह मत बनाओ, यह तुम्हारे लिए मंगलमय नहीं होगा। इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा। कुछ रात्रि के बाद स्थापति को एक स्वप्न आया। स्वप्न में आकर गुरुदेव ने कहा, ठीक है मैं पढ़ लूंगा। गुरुदेव ने कहा, मेरा हैंड रेज का साइन आ रहा था। स्वप्न में आकर गुरुदेव ने कहा, उनके लिए तुम स्थानु नरसिंह बना सकते हो। देखो माता जी प्रभु जी, पहले तो वो गुरु के पास में जाके बोलने लगा है कि ऐसा गुरुदेव मेरे पास में ये हरे कृष्ण वाले आए, मूर्ति बनाओ बोल रहे हैं, वो भी गुस्से वाली। तो गुरुदेव सोचे, अच्छा ये जो इन लोग जो चित्र लेके आए ना, ये नरसिंह देव ऐसे तो अलग 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 है, लेकिन इनको बोलते हैं स्थानु नरसिंह बोलते हैं। ये स्थानु नरसिंह बोलते मालूम एकदम खंबा ऐसा फटने की देरी जो प्रकट होते हैं, एकदम गुस्से में जो रहते हैं, भैया उनको तो मत बनाओ, उनको अगर तुम बनाएंगे तो मैं तुमको बोल रहा हूं ना, मत बनाओ। ठीक है, मैं जरा विचार करके समय लेता हूँ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में स्वयं वो जो शिल्पी है उसके स्वप्न में उसके ही गुरु आके बोलने लगे, तुम बना सकते हो।
दूसरे दिन प्रातः ही उसे कांचीपुरम से एक पत्र प्राप्त हुआ, और पत्र यानी वो स्वप्न में भी आए उनके गुरु, और लेटर भी आ गया। क्या बोल के, यह पत्र शंकराचार्य ने जी ने भेजा था, इससे मंदिर के में कार्य के विषय में निर्देश दिए गए। नीचे एक पंक्ति में लिखा हुआ था कि इस्कान के लिए तुम स्थानु नरसिंह खुदाई कर सकते हो। अब उनका जो डाउट था ना, जो जाके अरे भाई पहले तुम नहीं करते बोले, अब करते बोले, तो वो पूरी कहानी बताए। देखो ऐसा मैं गुरु से पूछा, वो पहले नहीं बोले, बाद में स्वप्न में आया। माता जी प्रभु जी स्वयं भगवान को आना है, देखो कितना लीला कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है मैं नहीं करता हूं, लेकिन इनके स्वप्न में भी आ गए और उनके गुरु ने भी उधर से एक लेटर दे दिए। अब कौन, अच्छा सा जल्दी से, हाँ कौन है अब, और आयुषी शरफ माता जी है या प्रभु जी है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया, धन्यवाद, थैंक्स लॉट। पढ़िए माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा वो हो रहा है, शुरू से पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जो स्क्रीन है वही से पढ़ना है, जो दिख रहा है वहां से पढ़ना है। हाँ प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। स्थापति ने मुझे यह पत्र दिखाते हुए कहा, मुझे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब मैं आपके विग्रह की खुदाई करूंगा। मैं खुशी के मारे झूमने लगा। मैंने उसे अग्रिम राशि बतौर कुछ रुपए दिए एवं पूछा कि कितने दिन लगेंगे। उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर मूर्ति स्थापना के लिए तैयार हो जाएगा। मैं मायापुर लौट आया। 4 महीने के बाद मैंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया, ताकि नरसिंह देव के पूजा अर्चना के लिए आवश्यक पीतल के भारी भारी सामग्री खरीद लिए जाएंगे एवं तत्पश्चात मूर्ति को लेकर लौट आएंगे। स्थापति से मिलने के पहले तक यह यात्रा। माता जी आप करें, बहुत सारा नॉइस आ रहा है माता जी बैकग्राउंड में, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो जिसके पास में बैकग्राउंड नॉइस नहीं है वो लोग ही हैंड उठाना, मेरे को थोड़ा ये रिकॉर्डिंग टेम्पल में डाला जाएगा, प्लीज सबको साथ देना है हमको। ये मायापुर का नरसिंह भगवान का बहुत बहुत लीलाएं हैं, प्लीज डिस्टर्बेंस में नहीं आना है। चलो सुशील प्रभु पढ़िए। सुशील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रथपति ने मुझे पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब मैं आपके विग्रह की खुदाई करूंगा। मैं खुशी के मारे झूमने लगा। मैंने उसे अग्रिम राशि के बतौर पर कुछ रुपए दिए एवं पूछा कि कितने दिन लगेंगे। उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर मूर्ति स्थापना के लिए तैयार हो जाएगा। मैं मायापुर लौट आया। 4 महीने के बाद मैंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया, ताकि नरसिंह देव के पूजा अर्चना के लिए आवश्यक पीतल के भारी भारी सामग्री खरीद लिए जाएंगे एवं तत्पश्चात मूर्ति को लेकर लौट आएंगे। स्थापित से मिलने से पहले तक वह यात्रा सुव्यवस्थित एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि पूजा अर्चना के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीदी जा चुकी है, अब मैं मूर्ति को लेने के लिए आया हूँ। मेरी तरफ से इस तरह देखने लगे जैसे कि मैंने सारा होश खो दिया हो। उन्होंने कहा कौन सा विग्रह, अभी तक तो मुझे उपयुक्त पत्थर ही नहीं मिल पाया है। मैं उनकी बात सुनकर हतप्रभ हो गया। मैंने कहा पर आपने तो कहा था कि 6 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, उपयुक्त पत्थर मिलने के 6 महीने के अंदर मूर्ति स्थापना के लिए तैयार हो जाएगा। उनके उत्तर का स्वर काफी दृढ़ था, पर मैं इस विलंब को स्वीकार न कर पाया। हतोत्साहित होते हुए मैंने उन्हें ललकारा, पूरे दक्षिण भारत में पत्थरों के बड़े बड़े खंड पाए जाते हैं, क्या समस्या है। उन्होंने मेरी तरफ कुछ इस प्रकार निगाहें डाली जैसे कि एक शिक्षक एक मंद विद्यार्थी की ओर देखता है। मुझे समझाते हुए कहा कि मैं पीसने वाला कोई उखल नहीं बना रहा हूं, मैं एक विग्रह बनाऊंगा। शास्त्र हमें बताते हैं कि विष्णु विग्रह बनाने के लिए उन्हीं शिलाखंडों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें जीवन है। जब आप शिलाखंडों को 7 स्थानों पर आघात करते हैं
एवं प्रत्येक स्थान पर शास्त्रों के अनुरूप ही स्वर निकलने पर ही उस उपयुक्त शिलाखंड का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी एक और पद्धति है जिसके द्वारा जाना जाता है कि शिलाखंड जीवंत है या नहीं, एक प्रकार का क्रिया पाया गया। प्रभु जी हरी बोल। यस, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अब वो बोल दिए ठीक है मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, मूर्ति आप बोल रहे हैं मैं बना दूंगा, मायापुर नरसिंह भगवान की मूर्ति बना देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। अब लेकिन मेरे को समय चाहिए, कितना समय चाहिए, 5 या 6 महीने। तो जब तक ये क्या करे, चलो भाई मैं भी कुछ भगवान के लिए बड़े बड़े अच्छा सा पीतल के ये वो सब मैं जब तक खरीद लूंगा। चलो 5 महीने बीत गए, फिर वो रिटर्न जैसे ही आए और जाके शिल्पी को पूछने लगे, हे शिल्पी ना क्या हमारी मूर्ति बन गई है? तो वो बोलने लगे, कौन सी मूर्ति भैया, क्या मैं वट छोटा सा उकल बोलते ना हम लोग, आजकल तो सब मिक्सर ग्राइंडर आ गया है, उकली उकल जो भी बोलते हैं वो भूल गए हैं ना, तो वो उकल बना रहा था क्या, इतना आसान है क्या? एक्चुअली माता जी प्रभु जी शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि नरसिंह विष्णु भगवान की अगर मूर्ति अगर बनाना है तो विष्णु भगवान की मूर्ति अगर बनाना है तो वो जीवित रहना, क्या वो पत्थर पत्थर में जान रहना, और पत्थर को 7 जगह अलग अलग उसको जब मारेंगे अलग अलग आवाज आना, और एक टिपिकल कीड़ा रहता है वो, अगर समझो ये पत्थर है, इसको वो पत्थर को यहाँ पे कीड़े को रख दिए तो वो कीड़ा क्या करेगा, वो पत्थर को खाते खाते आगे चले जाएगा, इतना उसमें क्वालिफिकेशन पत्थर में रहते ही वो मूर्ति बनती है। अब वैसा पत्थर ये तलाश रहे हैं कौन, शिल्पी, लेकिन वो पत्थर मिल रहा नहीं। अब देखेंगे अजीज वर्मा प्रभु पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद में प्रमोद प्रभु पढ़ेंगे। हम स्लाइड नहीं आया प्रभु, अभी आएगा, अभी भी नहीं आया, आ गया प्रभु जी, आ गया बिल्कुल। करिए करिए, सुमन माता जी भी आ गए। जाता है जो कि स्फटिक शिला खाते हैं, ये कीड़े अगर एक छोर से खाते खाते दूसरे छोर से निकल जाए तो एवं अपने पीछे छिद्र के स्वरूप लेकर छोड़ दें तो उस शिला की जीवित होने की कोई संदेह नहीं रहता, केवल जीवित शिला में ही भाव प्रकट हो सकते हैं। ऐसे शिलाखंड से ही अपने आपके नरसिंह देव की खुदाई कर सकता हूँ, ऐसे शिला से कविता के स्वर निकलते हैं, ऐसे शिला से ही सारे भाव भंगिमा संपूर्ण रूप से सुंदर एवं पारदर्शित होंगे। कृपया धैर्य धारण करें, मैं उच्च मन से इस कार्य के लिए 6 फुट की शिला की खोज कर रहा हूं। मैं चमत्कृत के साथ साथ भी था। मायापुर के भक्तगण विग्रह को तत्काल आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उन्हें जीवित शिलाखंड की खोज के बारे में कैसे समझाऊंगा? हो सकता है कि वह लोग नरसिंह देव के संगमरमर के बनने की सोचें। वातावरण में थोड़ा सहज करने के लिए मैंने स्थापित से प्रहलाद महाराज की मूर्ति के विषय में चर्चा प्रारंभ करना चाहा। मुझे क्षमा कीजिए, पिछली बार मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमें प्रहलाद की एक मूर्ति की भी आवश्यकता है। हम लोग प्रहलाद नरसिंह की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? मुझे नहीं लगता कि यह संभव होगा, स्थापित ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। अवाक होकर मैं उनकी ओर देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। वह मुस्कुराए एवं कहने लगे, आप सब कुछ शास्त्र के अनुसार बनवाना चाहते हैं। आपके नरसिंह देव 4 फुट के होंगे, तुलनात्मक दृष्टि से आपके प्रहलाद महाराज 1 जीवाणु के आकार के होंगे। मैंने कहा, लेकिन हम प्रहलाद महाराज 1 फुट के चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरि बोल। तो अब आ गई चिंता और एक, अरे हाँ ठीक है, मेरे को वही पत्थर चाहिए जो पत्थर को कीड़ा खाता है, अगर यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से निकलेगा, 7 जगह से अलग अलग आवाज निकलेगा और कम से कम इतने फीट का रहेगा। अब एक दुविधा और एक डाल दिए कि भैया हमको एक प्रहलाद महाराज भी चाहिए,
प्रहलाद महाराज जैसे ही चाहिए वो बोलने लगे, भैया अगर तुम्हारे को प्रहलाद महाराज इतने चाहिए तो वो भगवान जी कितने बड़े होना, शास्त्रों के हिसाब से हम मैं हर चीज कर रहा हूँ, सब चीज आपको भी शास्त्रों के हिसाब से चाहिए तो थोड़ा मेरे को और समय दीजिए। देखो माता जी, प्रभु जी मूर्ति बनाने वाले ये नहीं है कि कमर्शियल नहीं होते हैं, लालो पत्थर मिल गया चलो ले लो कर दो, नहीं, मूर्ति भी ऐसी है जो जीवित है, जीवित मूर्ति वो इसलिए उसके लिए अब समय लग रहा है। अब मूर्ति को ढूंढ लिए बाद में अब क्या हुआ नेक्स्ट। हमारे प्रमोद प्रभु बोल रहे थे कि प्रभु जी मेरे को भी चांस दो, बोल रहे थे कहाँ पे प्रमोद प्रभु आप, हरे कृष्णा, समय नहीं है प्रभु, आप हैंड भी रेज नहीं करे हैं। अब प्रमोद कुमार बंसल प्रभु, हाँ यस, अनम्यूट करो प्रभु, अनम्यूट करो प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु पढ़ो। ठीक है, स्थापित ने उत्तर दिया, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आपने नरसिंह देव को 120 फुट का लाना का होना होगा। प्रहलाद महाराज ने के रूप के बारे में हम लोगों को बहुत तर्क वितर्क हुआ है, अंत में स्थापिति ने हार मानते हुए 1 फुट ऊंचा प्रहलाद महाराज बनाने के लिए हामी भर दी। मायापुर लौटने पर कम से कम एक सकारात्मक सूचना तो दे पाऊंगा। 2 माह के बाद दक्षिण भारत लौट आया, इस बीच काम में कोई अप्रगति नहीं हुई। हर 30 से 40 दिन के अंतराल में दक्षिण भारत की यात्रा करता रहा, अंत में हमारा शिलाखंड मिल गया एवं स्थापित में संपूर्ण परिवर्तन आ गया। एक सप्ताह तक शायद ही कोई क्षण उन्होंने घर में बिताए होंगे, घंटा दर घंटा दिनों पर व दिन से शिला को निहारते हुए बैठे रहते। उनके हाथ में चाकू था पर उसका उपयोग नहीं किया। शिलाखंड के अनावश्यक पत्थर हटाने के सिवाय अपने श्रमिकों को और कुछ करने की अनुमति नहीं दी। अगली बार मैं उनके यहाँ गया तो पाया कि उन्होंने शिलाखंड पर बस एक रेखांकन किया है। मैं चिंतित हो गया। मायापुर में व्यवस्थापक कर्ण सब अधीर हो रहे थे। मेरे हताश होने पर उन्होंने पूछा कि आपको विश्वास है कि 6 महीने के अंदर विग्रह का काम संपूर्ण हो जाएगा? उन्होंने उत्तर दिया, आप चिंता ना करें, काम हो जाएगा। मैं मायापुर लौट आया पर विग्रह के विवरण के बारे में चर्चा करने के लिए तत्काल में दक्षिण भारत भेज दिया गया। स्थापति को मैंने पूर्ण मनोवयोग एवं समर्पण भाव से मूर्ति के आकार की खुदाई करते पाया। उस समय तक शिला में आकार दिखने लगे थे। स्थापित ने विग्रह के हाथों का काम करना प्रारंभ कर दिया था। सारे भाव भगिमा एवं बनावट सूक्ष्म एवं परिकृष्ट थे। मैं अत्यंत आनंदित एवं प्रभावित था। विग्रह को संपूर्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रमोद प्रभु, हरे कृष्ण। तो क्या हो गया अब? ठीक है, अब ये वार्तालाप चला, अल्टीमेटली विग्रह मिल गया, काम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नरसिंह भगवान जितनी जल्दी आएंगे, ये डाकुओं का टेंशन चल रहा है, नरसिंह भगवान संभाल लेंगे, अब हमको उनको जल्दी लाना है। बार बार पूछ रहे हैं क्या हो गया, काम हो गया, काम हो गया। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, हो जाएगा। धीरे धीरे से वो फिर से गए, डरते डरते जाके देखे, चलो भाई अभी तो हाथ बन गए, अभी तो पूरा प्रतिमा, थोड़ा थोड़ा सा पहले पत्थर था ना भैया, पत्थर पे से अनवांटेड चीज हम निकालते हैं तो अंदर से मूर्ति निकल आती है। तो ये एक मूर्तिकार क्या कर रहा है, पत्थर को देखा तो उसको क्या दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है। वैसा हम सब में क्या है, एक भक्त है, हमारे में भी जब अनवांटेड चीज निकाल देंगे तो एक भक्त निकल के आएगा। अब नेक्स्ट, रितु गुप्ता माता जी पढ़िए, माता जी जल्दी, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थोड़ा सा आकार निकल के आया था, अब स्लाइड आपके सामने है, पढ़िए जल्दी माता जी, आपको मैं होस्ट बनाया। कहाँ चले गए ये लोग? ठीक है, कौन है? कृष्णा दीवानी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को। उत्सव था पर धीरे धीरे पूजा अर्चना का स्तर गिरता गया। आज वह स्थान
जीर्ण अवस्था में हैं। पूरा गांव निर्जन हो गया है, वे लोग भी अपने यहाँ ऐसा ही चाहते हैं। इस पति ने उत्तर दिया, वे लोग अपने जिद पर अड़े हैं, वे विग्रह के बारे में बात करने बार बार मेरे पास आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें डकैतों की कोई समस्या है। विग्रह का रेखाचित्र अपने गुरु के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, ये वे ऐसा विग्रह चाहते हैं। गुरु जी ने चित्र देखकर कहा, यह तो उग्र श्रेणी का है। एक मिनट माता जी, थोड़ा मेरे से कहीं हुआ शायद, यह स्लाइड फिर से रिपीट हो रहा है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए, तो ये हम लोग फिर से रिपीट हुआ, कहीं मेरे से कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा गलती हुआ शायद। ये स्टेज हम लोग अभी कहाँ पे, मूर्ति आ गई, मूर्ति को मूर्ति में विकार भी आने, अच्छा सा हाथ पैर सब दिखने लगे, वहां से स्टार्ट करना है ना। पढ़िए अभी, ये पढ़िए, अनम्यूट क्यों कर, म्यूट क्यों कर लिया। चलो पूनम माता जी पढ़िए जल्दी से, टाइम नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतपति ने मुझे यह पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब मैं आपकी विग्रह की खुदाई करूंगा। प्रभु जी हो गया था, ये भी हो गया मेरे से। हाँ वो थोड़ा स्लाइड है, जल्द पीपीटी, थोड़ा टाइम समय, जल्दी जल्दी देखो माता जी यहाँ पे। ये भी हो गया प्रभु जी। हाँ तो ये रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। साबित ने उत्तर दिया, ठीक है। पढ़िए। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। कर्ते ने सतपति को एक वर्ष लग गए। काम पूरा होने के तुरंत बाद ही उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया। परंतु कुछ दिन के लिए वह अपने मित्र के यहाँ रहने चला गया। उस समय वर्षा ऋतु थी, हम व्यक्ति ही मिलने आते। अपने फूस के घर में नरसिंह देव को ताला बंद करके वह चला गया। दो तीन बाद ही उसके पड़ोसी ने उसके पास थोड़े दूर आए और आकर सूचित किया कि उसके घर में आग लग गई है। उस समय तेज बारिश हो रही थी और सब कुछ भीगा हुआ सा था, फिर भी नारियल के सूखे रेशे से बने उसके छत पे आग लग गई थी। भागते भागते आकर उसने पाया कि घर चलकर राख हो चुका था, लेकिन नरसिंह देव के बिगड़े को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया, कृपया आकर अपने बिगड़े को ले जाइए, वे सब कुछ जला रहे थे। उन्होंने यह परी बताया कि वे शिवपुर यहाँ से चले जाना चाहते हैं। उत्साह एवं उमंग से भरा मैंने दक्षिण भारत की ओर यात्रा की। वहां पर एक लारी भाड़े पर एक कर से आधे लारी को बालू से भरवा दिया। यह सोचते हुए कि सब कुछ बहुत ही सरलता से हो जाएगा, मैं सतपति के यहाँ पर पहुंचा। मुक्तावश मैं यह भूल गया कि नरसिंह भगवान देव का एक वचन दास अस्तित्व है। उनका एक टन वजन था। उनके कार्यशाला में लारी एक विग्रह को लाने में 3 घंटे लग गए थे। विभिन्न राज्यों में सुरक्षित यात्रा करने के लिए पुलिस की मंजूरी की भी आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ बिक्री कर विभाग, पुरातन निर्देशक एवं कला भवन तमिलनाडु के अनुमोदन पत्र की भी आवश्यकता थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। अब देखो मूर्ति तो बन गई, एक महिमा यहाँ से स्टार्ट हो गई। क्यों? अब जैसे ही मूर्ति बन गई, ये जो शिल्पीकार है थोड़ा सा अपने मित्र के पास में चला गया हॉलीडेज पे जाके आएंगे ना। अब भगवान को जल्दी आना है, कहाँ पे? मायापुर में। और ये मूर्तिकार, एक शिल्पीकार एक छोटी सी गलती कर बैठा। क्या करा? चलो मूर्ति तो अच्छा दिख रही है, मैं एक नारियल फोड़ दूंगा, अगरबत्ती लगा दूंगा। जैसे अगरबत्ती नारियल लगा दिए, भगवान तो आ गए। अब भगवान को जाना है वहां पे, कहाँ पे? मायापुर में। बरसात हो रही है रात में माता जी प्रभु जी, वो बरसात में उसकी झोपड़ी जल गई। अब गांव वाले सब जाके पुकार पुकार के उसको उठाए, भैया तू कहां तो भी जा रहा है, चले गया, तेरी झोपड़ी में आंच लग गई है, पानी गिर रहा है, मूर्ति अच्छी है, आसपास का तेरा पूरा झोपड़ी जल गया है। अब वो इमीडिएटली समझ गया कि भगवान जाना चाह रहे हैं। कहां जाना चाह रहे हैं? मायापुर जाना चाह रहे हैं। मैं इनको और रोक नहीं सकता हूं। इमीडिएटली फोन कर दे के बोल दिए। अब और एक विडंबना है, मायापुर में मूर्ति को लेके जाना है। वो अलग अलग राष्ट्रों में चेक पोस्ट होते हैं, कैसा लेके जाना? लेकिन माता जी प्रभु जी ऐसा, जब मूर्ति को लेके जा रहे थे, ऐसी कृपा हो गई भगवान जी की के कोई नहीं रोका, कोई नहीं रोका कि भैया ये मलारी में क्या है। वरना हर लारी को चेकिंग होती थी, लेकिन भगवान की कृपा देखो। भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जो छान लेते हैं वो तो होएगा ही होएगा, ठीक है ना। यस एनीवन। अब और श्वेता माता जी हरे कृष्ण अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी अधिकारी गण आवश्यक अनुमोदन से पहले विग्रह को स्वयं देखना चाहते थे। भगवान नरसिंह देव के दर्शन करने के बाद वे सभी स्वतः ही तत्परता के साथ सहयोग करने लगे। 24 घंटे के अंदर सभी आवश्यक कागजात मेरे हाथ में आ गए। भारत के सरकारी कार्यालयों में स्थित जटिलताओं के मध्य यह एक चमत्कारिक घटना थी। मायापुर तक की यात्रा शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न रही। सही माने में हमारे रक्षक हमारे साथ थे। साधारणतः स्थापना समारोह वाले दिन स्थापित गर्भगृह में जाकर विग्रह के आंखों की खुदाई करता है। इस प्रक्रिया को नेत्र निमीलनम, आंखों को खोलना कहा जाता है। यह एक अति विशिष्ट घटना थी कि हमारे नरसिंह देव के स्थापित ने पहले से ही आंखों की खुदाई कर दी थी। उन्होंने न सिर्फ आंखों की खुदाई कर दी थी बल्कि प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न कर दी थी। साथ ही साथ सूक्ष्म रूप से पूजा और आरती भी कर दी थी। मुझे यह पूरा विश्वास है कि इसी कारण से सारे कागजात इन्हें इतने सहयोग की भावना के साथ तत्परता से बन गए थे एवं परमेश्वर भगवान को लाने में इतनी सहजता एवं सरलता रही। ये वे पहले से ही उपस्थित थे। भगवान नरसिंह देव को भला ना कहने का साहस किसमें हो सकता है। भगवान नरसिंह देव के स्थापना का कार्य बहुत ही सरल रहा एवं 3 दिन 28 से 30 जुलाई 1986 तक चला। मुझे स्मरण है मैं संशकित महसूस कर रहा था कि स्थापना समारोह अति सरल था। कांचीपुरम के शंकराचार्य जी के गंभीर चेतावनी की छाप मेरे मन में अंकित थी, किंतु उक्त अवसर पर उच्च स्वर में हो रहे जीवंत कीर्तन से मैं प्रसन्न था। कलयुग का एकमात्र यथार्थ ऐश्वर्य संकीर्तन यज्ञ ही पूरे समारोह में प्रधानता के साथ संपन्न हुआ था। फलस्वरूप मैं सजग एवं संतुष्ट था। संकीर्तन आंदोलन रक्षक भगवान नरसिंह देव श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर में अंतर्गतवा स्वयं को प्रकट कर दिए थे। जब श्री नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरी बोल। कितना अच्छी, देखो रोमांचक कहानी। भगवान को एक्चुअली देखा गया तो मूर्ति को शिल्पीकार क्या करते हैं, आंखों को वहां पे जहाँ पे स्थापना होती है वहां पे लेके जाके वहां पे ही करते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली आंखा भी वहीं बना दिए। अल्टीमेटली थोड़ा सा उसको नहीं मालूम था कि भैया अगरबत्ती आरती वो प्राण प्रतिष्ठा जो भी उसके हिसाब से वो कर दिया, लेकिन सचमुच में भगवान आ गए। भगवान की महिमा, भगवान जब आना चाह रहे हैं तो कोई रोक सकते क्या? कोई भी नहीं रोक सकते माता जी प्रभु जी। तो ये जो लीला है, अब बाद में इतने लीलाएं हुए, अब स्थापित कर दिए बाद में माता जी प्रभु जी। एक लीला, 2-3 लीलाएं मैं बोल दूंगा। और क्या क्या लीला हुआ। एक बार क्या हुआ, एक माता जी आए, डिवोटी है वो, वो भगवान को बोलने लगे, क्या हुआ भगवान, मेरे को कभी कभी आंख नहीं दिख रहे हैं, मैं आपकी सेवा कैसा करूं, मैं आपको फारन से सब चीज छोड़ दे के मैं आपके लिए आई हूं सेवा करने, और कभी कभी मेरे आंख नहीं दिख रहे, तो आप मेरे आंख ठीक कर दो। तो उसके स्वप्न में आए भगवान ना, स्वप्न में नरसिंह भगवान आके बोले, एक शर्त पे ठीक करूंगा, तू मेरा काम कर। क्या काम करना? देख वो क्या करे, आजकल जो मंदिर वाले क्या करे, मेरे पहले के आंख अच्छे थे, वो क्या करे, वो आंख निकाल के सोने के आंख ऐसा कुछ और आंख मेरे पे लगाए, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, तू जाके फौरन पुजारी को बोल दे। देन वो नींद में से उठी, सचमुच में नौ भगवान आए थे, वो जाके पुजारी को बोलने लगी, देखो आप लोग कहते हैं पहले जो आंख थे वही लगाओ बोल रहे हैं भगवान, वो जो बाद में आर्टिफिशियल जो आप वो लगा रहे थे ना वो निकाल दो, पहले जैसा था वही होना कहते भगवान को। तो जैसे ही वो स्वप्न बोला गया मंदिर वालों को, मंदिर वाले इमीडिएटली उसी दिन जैसे ही मालूम हुआ अच्छा सा अभिषेक करके जो भगवान जी चाह रहे थे वैसा कर दिए, और वो माताजी के वो जो माताजी को धुंधला धुंधला दिख रहा था साफ दिखाई देने लगा। हरी बोल। ये वहां के पुजारियों की पूजा पंकराजांगरी बोलते, वहां के जो पुजारी है वो लोग स्वयं बोले। एक बार क्या हुआ, एक माताजी प्रभु जी जो दीक्षित है, जो भारत भक्त है, उन लोगों का बेटा तो बच्चे ही है, क्या करे, चलो एक आजकल पटाखे तो आ रहे हैं, फटाके फूट गया, ये पूरा चेहरा जल गया।
तो डॉक्टर बोलने लगे, लोकल डॉक्टर वो दिशा हॉस्पिटल कोई तभी था, और लोकल हॉस्पिटल वाले बोलने लगे देखो इसको दूसरा डिग्री बर्निंग हो गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, फिर पट्टी बांधेंगे, बाद में इसको प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा। अब वो तो भी दीक्षित भक्त है, भगवान को इतना प्रे कर रहे थे भगवान आप कुछ भी करो मेरे बच्चे की आंखों को, मेरे बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। अल्टीमेटली भगवान ने उनकी सुन ली। जब उनको बुलाया गया कि आज हम आपका प्लास्टिक सर्जरी करेंगे आ जाओ, 2-3 महीने 4 महीने जो भी समय हो गए, बाद में उनको जब बुलाया गया, जब वो उनको क्लीनिंग करना है ना, पट्टी को निकाल के जब क्लीन करना है, भगवान देखो कितने दयालु है कि भगवान वो भक्तों की सुन लिए, और वो जैसे ही पट्टी खोल के आईसीयू में लेके जाके उसको ऑपरेशन करने के लिए रेडी कर रहे थे, चकित ना तो जलने का कुछ, जैसा पहले था थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है, जैसा पहले था वैसा चेहरा हो गया। अब वो जाके सीधा सीधा भाग भाग के अपने माता पिता को बुलाए, आइए आपके बच्चे को देखिए, ये परेशान हो गए आईसीयू में, क्या हो गया हमारे बच्चे को। जाके देखने लगे तो बच्चा फिर से हंसता हुआ आ गया, हरी बोल, और बोलने लगा माता जी किसने किया। तो डॉक्टर बोलने लगे तुम ही ना, तुम्हारे भगवान जी को पूछ लो, भगवान जी ने किया, हम तो कुछ भी नहीं करे, चलो लेके जाओ आपके बच्चे को। और एक एक एक, एक ये सच्ची के घटनाएं हैं। भक्ति शास्त्री करना चाह रहे, समझो अजीज प्रभु, यस मैं भक्ति शास्त्री करना चाह रहा हूँ, माँ बाप को परमिशन लिए 2 साल से, नहीं दे रहे माँ बाप परमिशन, नहीं मैं मायापुर जाऊंगा, चले गए। उनको एक स्मॉल पॉक्स, आजकल जो चलता है ना वो छोटे छोटे स्मॉल पॉक्स की बीमारी आ गई। अब सब लोग बोले लगे 20 दिन तक तुम्हारे घर में रूम में रहना, रूम में से बाहर नहीं निकलना। अब वो इतने इतनी अच्छी सी भक्त, इतने अच्छे से भक्त थे, अब उनको क्या करना है, अरे भैया मेरे को ये बंद के रख दिए। तो वो नरसिंह भगवान की फोटो थी, नरसिंह भगवान को बोले हे भगवान हाँ आप देखो अब गौर पूर्णिमा आ रही है, मैं अगर यहाँ पे बैठूंगा, मैं इतनी बड़ी मुश्किल से मायापुर आया हूँ भक्ति शास्त्री करने, और मेरे को तो ये बीमारी ऐसे टाइम पे, और मेरे को अटेंड करना है भगवान। तो उनके मन में इच्छा हो गई, चलो मैं कुछ भी करूंगा नहा लूंगा। जैसे ही माता जी प्रभु जी भगवान को रात में बोल लिए सुबह में नहाए, जो बड़े बड़े जो ऐसा थोड़ा बढ़ के आते हैं वो इचिंग भी होता है, लोग बोलते हैं नहाना नहीं वो समय पे, एक ही जगह रहना वो कंटाजियस है, उधर नहीं जाना, वो सब अलग अलग विचारधारा है। लेकिन भगवान की इतनी महिमा है कि वो सब छोटे हो गए हैं, सब चकित। माता जी प्रभु जी भगवान नरसिंह भगवान, आजकल ये डॉक्टर कुछ भी नहीं है, डॉक्टरों के भी डॉक्टर है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं होता। इसलिए आज मैं हमारे साथ श्रेया माता जी है, वो नरसिंह कवच गाएंगे। और एक चीज मैं आपको बोल दूंगा, आपको जो जाना है जाइए, किसी किसी को अगर नेगेटिव एनर्जी सता रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसा नेगेटिव भी है हमको सता रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो मायापुर में एक कवच मिलता है। ज्यादातर आप लोग, हम लोग दीक्षित भक्त हम लोग देखते हैं ना, तो जब दीक्षा हो गई तो जनरली एक ऐसा एक कवच मिलता है, बहुत ही ज्यादा आपको सता रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज, तो आप क्या करो, मायापुर हमारे टेंपल में है तो हमारे टेंपल के एडमिन से पूछो, है तो टेंपल से ले लो, नहीं तो मायापुर से भी आप लोग ले सकते हैं, कहां पे भी इस्कान में आपको एक कवच मिलेगा, ये नरसिंह कवच बोलते हैं, कि हम लोग साथ डालना है जिसको नेगेटिव एनर्जी सता रहे हैं, ठीक है ना। ओके श्रेया माता जी, आप नरसिंह भगवान का कवच पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण। 5 मिनट में हो जाता, देखो सीखना चाहिए, माता जी पढ़ रहे हैं, हाँ आप लोग श्रवण कीजिए, पढ़ो माता जी, आप ही स्क्रीन शेयर कर लो होना है तो। हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट माता जी, कैन यू शेयर द स्क्रीन, यस हरे बोल। यस स्क्रीन दिख रहा है माता जी आपका, परफेक्ट दिख रहा है। अथ श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम्। नरसिंह कवचम् वक्षि प्रह्लाद नोदितम् पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेम सिंहासनस्थितं दिव्यताश्यं च नयनं सरदीन्दुशमाप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डरशोभितम् उरुजशोभितो रश्कं रत्नकेयूरं मुद्रितम्
तप्त कांचन संकाशम पित निर्मल वाशम इंद्रादि शुरमौलस्था शुरन्माणिक्य दीप्तिभिः विराजित पदम द्वंद्वम शंख चक्रादि हेतिभिः गुरुत्मता च विनयाता स्तूयमानं मुदान्वितम् स्वयत कमल संवाशम कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहं मे शिरा पातु लोक रक्षात्म संभवा सर्गवपि स्तंभवाशः पालं मे रक्षतु ध्वनिन् नृसिंहो मे दृशो पातु सोम शूर्याग्निलोचनः श्रुतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्य स्तुति प्रियः नाशा मे सिंहं नासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखे प्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पातु इन्दुवदनः सदा प्रह्लाद वन्दितः नृसिंह पातु मे कंठं स्कंधो भूवरणान्तिके दिव्यास्तशोभित भुजौ नृसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिशाध्याश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हृणयाक्ष वक्षकुक्षी विदारणः नाभिं मे पातु नरहरि श्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माञ्जकोचयः कच्चां यश्यासो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनुभवः पातु जानुनि नररूपदे जङ्घे पातु धराभार हरतयो शौनृकेशरी सूर्यराजप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषा पातु मे सर्वसस्तनुं महोग्र पूर्वतः पातु महावीरग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु निरुतौ पक्षी मे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुख नृसिंह पातु वायव्यां सौम्यं भूषर्विग्रहा इष्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसार भयत पातु मृत्युर्मृत्युर्मृकेशरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नित्यं सर्वपापै प्रमोचते पुत्रवान धनवान लोके दीर्घायुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जय वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यं तरीक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृक्षिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षस्यक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जिवातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं कर्मूले धृतं येन सिद्ध्येयु कर्म सिद्धयः देवाशुर्मनुष्येषु स्वं समीव जयं लभेत् एकशन्ध्यं त्रिशन्ध्यं वा या पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिमुक्तिं च विन्दति द्वांत्रिंशति सहस्राणि पाठाशु द्वात्मभिर्निभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते आनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विव्रियादस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राश्रयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहदानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसंभवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहं स
सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु सा तच्चा प्राप्नोत्यशंसयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं सोटयन्तं हरन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिव्यविदेशं क्षेपयन्तं जपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशतन्तं शम्भरन्तं हरन्तं विच्छन्तं गुरुणयन्तं करणिकदशतये दिव्यसिंहं नमामि दिव्यसिंहं नमामि दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मानपुराणे प्रह्लादयुक्तम् श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम् उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं वीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्मवृंगा ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं वीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्मवृंगा ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं वीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म वृंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम हरी बोल वेरी एक्सलेंट माता जी वेरी एक्सलेंट बहुत अच्छा लगा माता जी देखो पांच मिनट में कवच भी हो गया है यही कवच हरि बोल सब लोग हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 बोल चलो माता जी मैं ये क्लास एंड करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए हैं आप अच्छा लगा सब लोग अच्छा ये कहानी के लिए कहानी नहीं है सच्ची घटना ही है कई जुड़े हुए हैं नरसिंह भगवान जो मायापुर के हैं हम लोग तो दर्शन करके आए हैं लेकिन मेरे को भी जब दर्शन करा मेरे को स्वयं भी ये नहीं मालूम था कि इतनी लीला है बाद में मालूम हुआ ठीक है ना माता जी तो मैं इसलिए मेरी इच्छा थी कि भाई मैं सबको बताऊं सबको बताया मेरे से अगर कुछ त्रुटि हो गई तो मेरे को क्षमा करना यस रितु माता जी हरे कृष्णा कुछ आपने फिजिकल हैंड उठा रहे हैं बोलिए अब आप अनम्यूट कर सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हाँ भैया भैया हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भी कुछ शेयर करना था अपना क्या बात है हरि बोल सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहिए रितु माता जी कुछ बोलने वाली है यस माता जी नाउ यू कैन अनम्यूट सब लोग शांत है अनम्यूट कीजिए हाँ अनम्यूट कीजिए अब आप अनम्यूट करो माताजी हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही है मेरे को आपकी माताजी आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी ने कहा कि नरसिंह देव को भोग लगा के अपने प्रभु जी को देना एक्चुअली प्रभु जी ये थोड़ा कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बट प्रभु जी मेरे प्रभु जी ड्रिंक करते थे बट जब मैं मायापुर से आई और मैंने वो जो भोग मैंने वहां पे लास्ट मोमेंट पे मुझे किसी ने बताया कि नरसिंह देव को जाके भोग लगाना और जो हमारे गुरु महाराज जी हैं होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनसे उन्होंने स्वयं बात भी की थी तो मुझे किसी ने बताया तो मैं लास्ट मोमेंट पे जहां हमारी तैयारी हो रही थी चेकआउट करने की मैं भागी भागी गई मैंने नरसिंह देव को भोग करा और आके मेरे प्रभु जी ने वो दो तीन दिन चार दिन हो गए वो पाया ही नहीं फिर भी मैंने वो कैसे तैसे करके वो भोग दिया और प्रभु जी सच में मैं मार्च के लास्ट में गई थी और 3 अप्रैल से और आज तक 1 साल हो गया प्रभु जी मेरे प्रभु जी ने ड्रिंक नहीं की एक रियलाइजेशन और प्रभु जी अभी हम लोगों का अभी मन था हम लोग वहां जा रहे थे जगन्नाथपुरी तो मेरा बहुत मन था जगन्नाथपुरी जाने का हमारी टिकट वगैरह हो गई थी तो हमें कल जाना था
मतलब आज हम पैकिंग कर रहे थे, हम लोगों को निकलना था, तो एक दिन पहले क्या हुआ, मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी मम्मी को 2 हार्ट अटैक आ गए, तो मेरा ऑलमोस्ट जाना बिल्कुल कैंसिल। मम्मी चली गई अपने घर, क्योंकि सास भी मेरी जुड़ी हुई है, दीक्षित है। और प्रभु जी मैंने रात को ही बैठ के मैंने नर्सिंग कवच किया 3 बार, नर्सिंग देव से प्रार्थना की, नर्सिंग देव मैं सच में जगन्नाथपुरी जाना चाहती हूँ। और प्रभु जी जिन 80 की प्लस में एज में उनको 2 हार्ट अटैक आए, और वो बिल्कुल जिनका बोल बंद था वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बॉल पड़ी और मेरा वहां जाना पॉसिबल हुआ। तो मुझे सच में ऐसा लगता है नर्सिंग देव सच में सुनते हैं प्रभु जी। कोई लोग नहीं बोलते हैं, बहुत लोग अपने आप को अरे मैं बोलूंगी लोग क्या समझेंगे, बोलना चाहिए, रियलाइजेशन से शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। सचमुच में जब पुकारने वाला चाहिए, आज भी भगवान सुनने के लिए तो वो बैठे हुए है, लेकिन हमें पुकारने का वो दहाड़ने वाला दिल, वो हम लोग मायूस हो गए। नेगेटिव एनर्जीज पूरे हैं, नेगेटिव आने मैं नहीं कर सकता, मैं फेल ही होऊंगा, मेरे से अपने बच्चों को कैसा ट्रेनिंग देते हैं, तू तो फेल होता। हम समझने लग गए हाँ फेल ही होते, लेकिन एक बार हमें ये आ गया यस यही जन्म में जाएंगे भगवत धाम, हम भी जा सकते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, वो मनुष्यों में हजारों लोगों में क्यों मैं अकेला क्यों नहीं बनूं, भगवत धाम मैं क्यों नहीं जाऊं। जिस दिन हमारे में इच्छा जागती है, हमारे अंदर कौन बैठे हुए, चैत्य गुरु बन के भगवान बैठे हुए, और वो अपने को गुरु से मिला देते हैं। अच्छा लगा माता जी, थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्यः एव च भक्तानां पावनेभ्यः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, सभी को धन्यवाद प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।